अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। पाकिस्तान में आप सब सोचते हैं सबसे बदमाश डाला होता है, दैट्स रेवो। हमने रेवो से पहले फोर्ड राप्टर का जी हम रिव्यू कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं आप चैनल की एक्सपेंशन हम कितनी है, लेवल कर रहे हैं। दिस फोर्ड राप्टर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डालर्स, वैसे तो इट्स अ पिकअप ट्रक लेकिन आई एम गोना से इट्स अ डाला। और क्या लेवल यार इस राप्टर का, बाय द वे ये नया वाला है एंड दिस इज़ अ 3.5 वाला, इज़ अ 3.5 लीटर EcoBoost V6। I was so right about that, क्योंकि जो V8 वाला होता है ना उसका एक पीछे वो डीकैल होता है और इसमें दो तीन इस तरह की चीज़ें हैं जो ने इसे डिस्टिंग्विश करते हैं द 3.5। तो टुडे आई एम गोना टेक यू फॉर अ रिव्यू ऑन दिस फोर्ड F-150 राप्टर जो है इनका ह्यूज साइज़ है। अगर मैं आपको इसका कंपेरिजन दिखाऊँ ना तो ये है राप्टर और ये एक्सप्लोरर, ठीक है छोटी, और ये आपकी कम से कम है सोरेंटो वाला साइज़, ठीक है। और ये जिन है पूरा, मतलब ये देख रहे हैं आप ह्यूज। तो जब हम शुरू करते हैं फ्रॉम द लेंथ, लाइक एब्सोल्युटली मैसिव, हर जगह खड्डा मारो जहाँ मर्जी मारो इसे कुछ नहीं होता, सारी बात है। इट्स मेड फॉर हार्डकोर ऑफ रोडिंग। फ्रंट से स्टार्ट किया जाए, बिहेवियर लुक है, बहुत मैसिव है। अच्छा रैप्टर में जस्ट अब यू हैव वेरियंट्स, अब इसके टॉप वेरियंट V8 वाला है और फिर ये वाला वेरियंट है, ठीक है। सो यू हैव दिस प्लास्टिक पीस हेयर हुड पे, ठीक है। इसका वाइट पेंट है, बड़ा एक सटल पेंट और बड़ा प्यारा लगता है। ये जो फ्रंट पे लाइट्स देख रहे हैं, दीज आर योर 3 मार्कर ऑरेंज लाइट्स और ये भी पूरा ऑरेंज है। असल में US की रेगुलेशन है कि अगर एक गाड़ी कुछ विड्थ से चौड़ी है तो उसके दरमियान में भी लाइट्स होनी चाहिए प्लस उसकी ऑरेंज लाइट्स होनी चाहिए। तो ये फोर्ड वालों ने इतना ज़बरदस्त इसे कैपिटलाइज किया ना कि वो एक डिस्टिंक्ट लुक आ जाती है। टॉकिंग अबाउट द फ्रंट ऑफ दिस कार, आप जैसे देख सकते हैं रैप्टर की जो हुड है उसे बहुत स्ट्रॉन्ग आपके पास दो लाइन्स आ रही हैं जो अक्रॉस द आपकी साथ मिलती हैं विंडो लाइन के साथ। लाइकवाइज आपके जो फ्रंट बम्पर्स हैं दैट्स स्टील बम्पर्स फॉर यू नो लॉन्गजेविटी वगैरह, यू नो ऑफ रोड जाएँ कोई मसला नहीं होता। लाइकवाइज रियर बम्पर्स भी दे आर ऑफ स्टील, हैंस एवरीथिंग इज़ रोबस्ट, कुछ नहीं होता। स्पेशली आई लव द फ्रंट एग्रेशन, जैसे इसके हुड पे जो आपकी दो पावर लाइन्स, एक पावर लाइन तो मेन जा रही है ना उसके साथ एक जो सपोर्टिंग पावर लाइन है जिस पे डीकल बना हुआ है, इट लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। और आई रियली लव फ्रंट पे आउटलाइन जो LED लाइट्स के ऊपर जा रही है, जो DRLs के अराउंड जा रही है, दैट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। लाइक वाइज आपके ह्यूज और प्राउडली रिटन फोर्ड है आगे, ये एयर इनटेक्स आ जाती हैं, मतलब ये गाड़ी आपको बता रही होती है कि मैं मजाक करने नहीं आया, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। फ्रंट पे एक बड़ा ही है ज़बरदस्त आपका फ्रंट कैमरा भी लगा हुआ है, इट्स नॉट दैट कंस्पिक्यूअस, पता नहीं चलता लगा हुआ है। आपकी LEDs आ जाती हैं, हाई बीम्स, लो बीम्स, एंड योर टर्न इंडिकेटर्स हैं। नीचे आपके पास यू गो योर सेंसर्स हैं और प्लस यू गो योर फॉग लैंप्स, साइड मार्कर लाइट्स हैं, यहाँ ये रिफ्लेक्टर साइड पे ये आ जाता है। नीचे मूव करें तो सर जगह ही जगह, मैं तो कहता हूँ जहाँ मर्जी घुसाओ। ये और ह्यूज स्किड प्लेट पूरी गाड़ी के नीचे जा रही है, मैसिव, इतने बड़े मैंने कभी भी टो हुक्स नहीं देखे हुए। और इसका टायर्स तो फुल नॉर्मली ऑफ रोड टायर्स लगे हुए हैं, दीज आर 18s। इतनी ऊँची गाड़ी है ना, मतलब मैसिव, बहीमत है बहीमत, इतनी मतलब जगह है, मैं आराम से लेट सकता हूँ अंदर। इसके अंदर ये का फॉक्स की सस्पेंशन लगी हुई है और इंसुलेशन बहुत अच्छी है, लाइक वेरी वेरी इंप्रेसिव टू बी ऑनेस्ट। अच्छा इसमें बेस्ट चीज़ ये है कि दरमियान में जो नंबर प्लेट लगती है वो नीचे लगती है तो आपका लुक ख़राब नहीं होता। आपके पास फ्रंट पर 4 पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं। अगर हम साइड पर मूव करें आपके पास ये क्लैडिंग्स आ जाती हैं, दीज आर नॉट ब्लैक, दिस इज़ लाइक पाउडर कोटेड ग्रे कोटिंग है यहाँ सारी। मोर ओवर आपके पास ये साइड इनटेक भी आ जाता है फॉर द हॉट एयर गेटिंग आउट, कि आपका इंजन ऑप्टिमल टेम्परेचर्स में रहे। और ये दिस इज़ एक्चुअली रियर, राइट, नो फेक रियर आउट हेयर। प्लस ये जो ग्रे पैटर्न है ना ये यहाँ भी मूव कर रहा है, मतलब दिस इज़ फॉर सॉलिड, मतलब अगर पत्थर छत्थर लगे ऑफ रोडिंग करते करते तो ये ख़राब ना हो, प्लास्टिक नहीं है ये हल्के वाले। आपके पास एक ये विंडो कट आउट आ जाता है फॉर बेटर विजिबिलिटी ड्राइवर को, कि मतलब यहाँ से एक प्रॉपर व्यूइंग एंगल अच्छा आ जाए। डोर मिरर्स की बात की जाए तो पिछले राप्टर में जो एक मसला था वो बड़े सस्ते लगते थे, इसमें उन्होंने बॉडी कलर्ड डोर मिरर्स हैं विद योर LED टर्न इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। प्लस ये जो लाइट्स हैं ये टर्न भी हो जाती हैं ऑन, 360 कैमरा लगा हुआ है आपके पास, ह्यूज डोर मिरर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग इस गाड़ी में है, स्मार्ट एंट्री सारी बात है। द रियर बेड इज एब्सोल्युटली ह्यूज, द थर्ड माउंट ब्रेक लाइट वो आ जाती है, बेड का रियर कैमरा वो आ जाता है, रियर मार्कर लाइट ये आ जाती है, ह्यूज टायर्स वंस अगेन। सस्पेंशन चेक करें आप, जस्ट चेक इट आउट, ठीक है। अच्छा पीछे कोई इंसुलेशन नहीं मारी हुई, फोर्ड वाले ने भी सस्ते पान किए हैं, कोई हाल नहीं है फोर्ड वाला तुम्हारा। और नीचे से ग्राउंड क्लियरेंस से देखें, आपका रियर डिफरेंशियल वो लगा हुआ है और यह ऑफ रोडर भाई यही होती है। आपके पास जो रियर लाइट्स हैं दीज आर LEDs, ठीक है, ये दिस इज योर
rear light, your brake lamps, reverse light, turn indicators, ये जो section है, these are your sensors, जो नहीं आपको rear से assist करता कि गाड़ी शाड़ी तो नहीं आ रही, जो rear आपका assist है. Likewise, huge exhaust tips हैं. मैं आपको बता नहीं सकता कि ये देखें, मैं पूरा अपना fist घुसा सकता हूँ, इतना बड़ा, like it's really really huge. Toe hooks and you got the rear tire है, LED lights आ जाती हैं. ये आपका lock है, पता नहीं किसी चीज़ का. आपके full on style पावर आउटलेट्स यहाँ आए हुए हैं. पीछे चार पार्किंग सेंसर्स हैं. हेयर यू गॉट अनदर लाइट, हेयर कैमरा. और अगर हम इसका टेल गेट खोलें, अनफॉर्चुनेटली चीज़ अभी टेल गेट नहीं खोल सकता क्योंकि बैटरी ख़त्म हो गई है इस गाड़ी की. बात हो गई, ये जो आप पैटर्न्स देख रहे हैं, इसका फॉर एग्जांपल मकसद ये है कि आप फॉर एग्जांपल गए हैं कहीं बीच पे और आपको पता है कि चाबी गीली हो जाएगी, अब चाबी गाड़ी के अंदर ही छोड़ेंगे, यहाँ पासकोड लगा देंगे और वो अपनी याद रखना है, और जैसे ही आप पासकोड लगेंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली खुद ही खुल जाएगी. तो जी मूविंग इनसाइड हेयर, ओए होए होए उस्ताद जी, रैप्टर ही है ना ये, आई मीन वाओ. पहली बात है इसकी थर्ड चेक करें आप क्वालिटी, ठीक है. उसके बाद क्या वेट है इस गाड़ी का यार, उफ मैन, इट्स एब्सोल्युटली मैसिव, बहीमत है ये तो, बहीमत डोर है एवरीथिंग. मैं इसके सामने चुना लग रहा हूँ, चुना सा बच्चा. ये देखिए मेरी हाइट यहाँ आ रही है इसके, लिटरली यहाँ आ रही है, ठीक हो गया. मूविंग ऑन द डोर, आप कह सकते ज़बरदस्त सा सॉफ्ट स्क्विजी स्वेड लगा हुआ है, ऑरेंज स्टिच यहाँ जा रही है. यू हैव गॉट दिस, ये कार्बन फाइबर नहीं है, एक प्लास्टिक की टच है, इट लुक्स नाइस. यू हैव गॉट योर क्रोमी बिट्स हेयर, आपके सारे जो शीशे हैं इनमें से ओनली फ्रंट टू आर वन टच, बाकी ऑल आर पावर्ड. हेयर यू हैव गॉट योर रिट्रैक्टेबल मिरर्स, मिरर लॉक्स, इंडिविजुअल मिरर को एडजस्ट करने के पोजीशनिंग, और ये मिरर एडजस्टमेंट कंट्रोल आ जाता है. मेमोरी बटन ये आ जाते हैं आपके पास, डोर लॉक अनलॉक किया आ जाता है. इन दिस देयर इज नो विजिबल डोर हैंडल टू अनलॉक द डोर्स, लेकिन यहाँ एक बड़ा ज़बरदस्त, यू बेसिकली डू लाइक पुल दिस, डोर ऑटोमेटिकली खुल जाता है. एंड या ह्यूज डोर हैंडल्स, क्रोमी बिट हेयर, सॉफ्ट टच हेयर, ये सारा स्क्रैची प्लास्टिक है, ये भी सारा स्क्रैची प्लास्टिक है, लेकिन प्लास्टिक की क्वालिटी इज इन बैड, नहीं अच्छी वाली है, जो नहीं रगेड वाली होती ये वो वाली है. B&O का साउंड सिस्टम है, डोर पॉकेट्स इतनी ज़्यादा है मैं बता नहीं सकता, जो मुझे कंप्लेन होती है इस गाड़ी ने मेरा दिल खुश कर लिया. एक ये डोर पॉकेट है यहाँ, इतनी बड़ी. इट्स अ कंप्लीट पैकेज आउट है, इसमें सब कुछ है यार. फोर परफॉर्मेंस का लोगो ये लगा हुआ है. टू ओपन द हुड, यू जस्ट पुल दिस. मूविंग एट द रियर डोर ऑफ दिस कार, अगेन सेम हालात हैं, ह्यूज मैसिव डोर. अच्छा फ्रंट डोर जो है ना वो थोड़ा दरवाज़ा टाइप था, पीछे वाला बिल्कुल ही फटा स्ट्रेट है. और ओ माई गॉड, आप योर विंडो लाइन चेक करें, अगेन सॉफ्ट मटीरियल हेयर, सॉफ्ट पैडिंग हेयर, क्रोम. अच्छा ये जो प्लास्टिक है ना, ये मस्टैंग वाली, इससे बहुत बेहतर क्वालिटी का. अनदर कप होल्डर हेयर, योर डोर अनलॉक इज हेयर, एक और आपके पास कभी यहाँ है, ह्यूज कभी हेयर. B&O का साउंड सिस्टम है, प्लस सबसे बड़ा फ़ायदा ये दरवाज़ा पूरा नीचे तक कवर होता है कि जब भी आप जाएँ निकलें तो आपके कपड़े गंदे ना हो. टॉकिंग अबाउट द इंजन बे ऑफ दिस कार, अगर हम इसका लार्ज, इंडीड इट्स अ हाइड्रोलिक स्ट्रट, लेकिन मेरे से एक हाथ से ऊपर नहीं हो रहा था, दोनों हाथों से होगा, लाइक इट्स वेरी 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 हैवी, ठीक है. Here you got the Ford Performance 3.6 liter EcoBoost, ये वही इंजन है जो आपकी Ford GT में भी आता है. इसकी फिनिशिंग चेक करें कितनी ज़बरदस्त है, नो मेसिंग अबाउट के सस्तापन हो रहा है. ये इंजन कूलेंट किया आ जाता है, इंसुलेशन अंदर है, इंजन हुड इतना भरा भरा लग रहा है ना, मेरी इतनी हाइट ही नहीं है कि मैं इस तरह दिखा सकूँ. और ऊपर से जेन्युइन टेस्ट हम कर लेते हैं. ओहो सर क्या जेन्युइन है, फुल जेन्युइन जेन्युइन. डैम्पनिंग आपके पास ये आ जाती है, एंड या ये एयर इनटेक आ जाती है, लेट मी क्लोज दिस. फ्यूल फिलर कैप आ जाती है. मूविंग ऑन द रियर, ये ट्रक बहुत चौड़ा है, ठीक है. रियर ग्लास है विच इज़ इन मूवेबल, ये अपनी जगह ही रहता है. अच्छा जी मूविंग इनसाइड है, थैंकफुली एक ग्रैब हैंडल दिया हुआ, और हम मूव अंदर करते हैं. यार भाई पहले तो आप इसका इंटीरियर का लेआउट चेक करें, आपको बता नहीं सकता जितनी कम्फर्टेबल ये सीट्स हैं. आई वुड से कि दिस इज़ नॉट दैट फार ऑफ फ्रॉम अ लग्जरी कार. ये पहली बात है, इन सीट्स का ये जो है ये क्लॉथ लगा हुआ है, क्लॉथ टाइप मटेरियल है, ये आपका लेदर ये लगा हुआ है. लेग रूम मेरे पास माशाल्लाह खुला खुला खुलम डुला, थाई सपोर्ट बेहतरीन, हेड रूम एम्पल, आई हैव अ लॉट ऑफ स्पेस टू मूव. प्लस आपके पास यहाँ एक रियर सीट पॉकेट आ जाती है, क्वालिटी बहुत अच्छी है यार. प्लस रेड स्टिच हेयर जो यहाँ भी जा रही है, आपके सीट बेल्ट आ जाती हैं, आपके एक कोट हैंगर हुक आ जाता है. इस गाड़ी में LED आपकी रीडिंग लाइट्स हैं, मसला ये है अभी बैटरी ख़त्म हुई है. आफ्टर दैट अगर हम इस आर्म रेस्ट को नीचे करें, थोड़ा ही ज़रा डिसअपॉइंटिंग है,
थोड़ा यार बड़ा होता है, मेरा हाथ ही पूरा नहीं आ रहा। अब आप देखें मतलब यहाँ मैं हाथ रखूँ तो मेरा हाथ लटक रहा है, ये गलत बात है यार। और कप होल्डर्स का भी कोई बैड ही सीन है, मतलब कम ऑन फोल्ड। अच्छा दरमियान वाली सीट जो है इस पर आपको थोड़ा महसूस हो रहा है फटा टाइप, लेकिन अभी भी बहुत बेहतर है। फॉर्च्यूनर रेवो के अगर आप आदि हैं तो पीछे आपके दो एयर वेंट्स आ जाते हैं, पावर आउटलेट है, चार्जिंग सॉकेट्स की तो माशाल्लाह भरमार हुई है, यूएसबी टाइप ए टाइप सी प्रॉपर हाउसहोल्ड स्टाइल पावर आउटलेट ये लगी हुई है, हीटेड सीट्स एट द बैक, ये वाली जो दोनों है दीज आर हीटेड, दरमियान वाली नहीं है। ह्यूज कप होल्डर्स आपका फ़ोन की जगह रखने के लिए, एक और सॉफ्ट मैटिंग हेयर प्लस ईयर क्रोम स्टफ हेयर, और ये जो ह्यूज है दिस इज़ योर पैनोरामिक रूफ, आपके दो स्पीकर्स आ जाते हैं, हैंस ऑल गुड। और आपके पास ये एक प्रॉपर ग्रैब हैंडलर, और बाय द वे ये जो प्लास्टिक है बड़े फिट हैं यार, और इसके जो हेडरेस्ट इतने ज़बरदस्त हैं, और इस तरह ये ओपन है टॉप। एंड मैं आपको इसकी और एक क्वायर की चीज़ बताना चाहूँगा, नाउ वॉच दिस। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज़ पीछे रखनी है, आप देखें कितनी बड़ी जगह है, तो पहली बात है इसकी सीट्स फुली फ्लैट अप हो जाती हैं, ठीक है। इसके नीचे आपको मिलता है एक स्टोरेज कंपार्टमेंट। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैंने एक और बड़ी चीज़ रखनी है, तो ये भी मैंने बिल्कुल हटा देना, तो इसके लिए आप इसे अभी तो ये हुआ ना लॉक, तो इसके लिए आप इसे करेंगे अनलॉक, और यहाँ से ये पुल इट, ठीक है, ये नीचे इसका फोल्ड हो जाएगा, अब क्योंकि वहाँ से लॉक है तो ये भी बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। हैंस इसका ये फ़ायदा है कि आप अपनी प्रैक्टिकलिटी एट मैक्स कर सकते हैं, समझ आई। तो यू नो अब ये देखें मैं इसे जैसे ही करूँगा तो ये लॉक हो गई, ठीक है। अब इसे उठाना है तो मैं इसे फिर ये करके देखिए मेरा पुल दे साहब, और मैं इसे अब करूँगा तो ये इस तरह हो जाएगी, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। फ्रंट में मूव किया जाए, इसमें एक पॉश वाइब बहुत आती है, लाइक देखें आपका फुल यहाँ क्रोम लगा हुआ, यहाँ कौन क्रोम लगाता है। फोर्ड इज़ रियली पेइंग अटेंशन टू दिस एंड आई रियली लव दिस। फुली आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सीट्स आ जाती हैं, मेरे ख्याल से दिस इज़ 10 वे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वे सीट्स आपके पास। अब अगर हम अंदर मूव करें तो माशाल्लाह गाड़ी इतनी ऊंची है कि वी हैव टू क्लाइम अप, और जब आप ऊपर खड़े होते हैं तो आपको ये व्यू मिलता है विद योर ह्यूज पैनोरामिक रूफ, और ये इन्होंने छोटे छोटे एयर गाइडर्स बनाए हुए। तो मूविंग इनसाइड है, आप पैर रखते हैं और आप जब अंदर बैठते हैं, और यार क्या किंग लेवल लग रहा है। पहली बात है अभी मिरर्स का साइज चेक करें, मुझे इस तरह लग रहा है जैसे मैं कोई बैड बॉय हूँ, बैड बॉय तो हूँ इसमें, सिंपल इज दैट, मैं तो भाई बैड बॉय की तरह। ओह माय गॉड, दरमियान में मुझे लग रहा है कि मेरा लैपटॉप पड़ा होगा, इतनी बड़ी स्क्रीन है। इंटीरियर लेआउट मैंने आपको जनरली बता दिया, एक आपको फुल बैड बॉय फील मिलती है। मैं गाड़ी की सीट और ऊंची करता क्योंकि अब मेरी ये हेड स्पेस देखें, और मैं अभी जो बैठा हूँ ये आ रही है, आई वॉन्ट टू सिट लाइक दिस लाइक अ डैडी, और यू नो फिर इस तरह हम गाड़ी चलाएंगे। ने मेरी एल्बो लाइन बहुत फिट है, ये इन्होंने इतना फिट किया ना जो नीचे करके कि आपको इतनी ज़बरदस्त व्यू आ रहा होता है, एक प्रॉपर आर्टिस्ट सब कुछ नज़र आ रहा होता है। एयर वेंट आ जाता है, और एवरीथिंग हेयर क्वालिटी इज़ वेरी वेरी नाइस, ठीक है। ये पॉलिश्ड आपके पास प्लास्टिक आ जाता है, ऊपर सॉफ्ट मटीरियल एज यूजुअल, ये दिस इज़ योर क्रोमी टच हेयर, ये एक स्क्रैची प्लास्टिक, BNO का साउंड सिस्टम आ जाता है आपके पास, विच इज़ अ नाइस थिंग। डैशबोर्ड की डेप्थ ठीक है, ये स्क्रैची प्लास्टिक है, ये भी आपका सॉफ्ट मटीरियल हेयर है। तो आपके पास जो मैंने नहीं था आपको बताया था डोर मिरर के साइड पे जो लाइट्स हैं, तो LED लाइट्स यहाँ से ऑन हो जाती हैं, टेल गेट आप यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं, लाइकवाइज दिस इज़ आप टेल गेट की लाइट्स ऑन कर सकते हैं, ये आपके लाइट कंट्रोल्स आ जाते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट के ब्राइटनेस इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए, दिस इज़ हाउ यू आप अपने पेडल्स की पोजिशन आगे या पीछे कर सकते हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक आ जाती है, आपका फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ जाता है, फुली रैप स्टेयरिंग व्हील है क्योंकि ये आपका रैप्टर है, तो आपके पास फुल येलो स्टेज जा रही है, और क्या ब्यूटीफुल है यार, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, लाइक इट्स वेरी नाइस। आपके स्टेयरिंग इंडिकेटर स्टॉक्स आ जाते हैं, वाइपर स्टॉक्स भी साथ इंटीग्रेटेड हैं, विच टू माई सरप्राइज इज अ नाइस थिंग कि यहाँ कोई स्टॉक नहीं है, एक ही स्टॉक है तो बंदा कन्फ्यूज ही नहीं होगा। ये आपके स्टेयर आ जाते हैं, बाय द वे जो स्टेरियम गील है इट्स ह्यूज, मतलब पता चलता है कि मैं कोई चीज़ चला रहा हूँ। पेडल शिफ्टर्स एल्यूमिनियम के हैं, ये देखें आप आवाज़ सुने, मतलब पता लगता है यार मैं कोई कोई गाड़ी को शिफ्ट कर रहा हूँ। फोर्ड के एम्बलम, रैप्टर का आर मोड ये आ जाता है, इसके बाद इसमें यू हैव क्रूज कंट्रोल के सेटिंग्स ये आ जाते हैं, दैट्स हाउ यू टर्न इट ऑन, सेट डिक्रीज स्पीड लिमिटर लगा सकते हैं, लेन असिस्ट लगा सकते हैं, फ्रंट गाड़ी क्योंकि इसमें अडैप्टिव है तो जो फ्रंट गाड़ी से डिस्टेंस है वो आप एक्चुअली यहाँ सेट कर सकते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज, वॉइस असिस्टेंट्स, आपके इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स ये आ जाते हैं, मेन्यू बटन बैक मेन्यू में मूव अराउंड करने के लिए, सस्पेंशन की सॉफ्टनेस, स्टेयरिंग की कंट्रोल, एग्जॉस्ट बटन सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ट्रैक चेंज, और रैप्टर का एम्बलम बड़ा प्रोनाउंस ही लिखा हुआ है। सेंटर में आए आपके पास बहीमत कंट्रोल्स हैं, दो आपके पास ह्यूज एयरवेंट्स हैं, दरमियान में ये मेरे ना करते करते भी 10 इंच तो पक्की स्क्रीन है, ये बहुत बड़ी स्क्रीन है,
ऑटो स्टार्ट स्टॉप किया जाता है, 360 कैमरा ये है, पार्किंग असिस्ट ये है, हैजर्ड वार्निंग, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ और आपका मड टेरेन कंट्रोल ये आ जाता है। तो यहाँ ये जो है ना, ये बेसिकली आपके ट्रेलर कंट्रोल आ जाते हैं प्लस माइनस। नीचे दिस इज योर ड्राइव मोड, कि आप टू व्हील में चलाना चाहते हैं, फोर हाई में, फोर लो में, या हर वक्त फोर व्हील ड्राइव करना चाहते हैं, मतलब हर टाइम फोर व्हील में होगी तो आप उसमें कर सकते हैं। और पुश के साथ आप इसका डिफरेंशियल लॉक ऑन हो जाएगा। यहाँ आपके मीडिया कंट्रोल्स आ जाते हैं, वॉल्यूम, दिस हाउ यू टर्न इट ऑफ, ये इसमें ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, तो दैट्स हाउ यू टर्न इट ऑन। ये यहाँ से टेम्परेचर एडजस्ट होता है, यू कैन सिंक इट मैक्स। ये आपके हीटेड मिरर्स आ जाते हैं, एयर फ्लो की डायरेक्शंस आ जाती हैं, ऑटो रिसर्कुलेटिंग एयर, एसी मैक्स आ जाता है, हीटेड स्टेयरिंग एयर आ जाता है, हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट्स फ्रंट एंड बैक हैं दोनों, और दैट्स हाउ यू चेंज द फैन स्पीड। नीचे मूव करें, आपके पास क्या पॉश है यार, ओए होए होए होए, ये चेक करें जी, मटीरियल बड़ा अच्छा है, मतलब आप यहाँ से आराम से फ़ोन रख सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये चेक करें, पैटिंग वायरलेस चार्जिंग आ जाती है, जो बड़ी अच्छी है मेरे फ़ोन के लिए, ठीक है जी। ह्यूज जगह है, यहाँ जो मर्ज़ी घुसाना है घुसाएं, एक में मैट भी है, USB टाइप ए एंड USB टाइप सी, मॉडर्न और ओल्ड दोनों साथ रखी हुई हैं। ये भी एक कभी बड़ी ज़बरदस्त है, और इसका सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस बटन को दबाएँ तो ये गियर लीवर फुली अंदर चला जाता है, और फिर मैं आपको बताता हूँ इसका मैजिक ट्रिक। 8 स्पीड या समथिंग लाइक दैट, PRND और मैनुअल का मोड यह आ जाता है, और ये इसका बटन है, लेट मी शो या क्रोम बटन यह आ जाता है। ये आपके पास एक बड़ी अच्छी जगह है जहाँ फ़ोन रख सकें, ह्यूज कप होल्डर्स, और आप इसका साइज़ चेक करें सेंट्रल आर्मरेस्ट का, मतलब मैं इस पर बैठ जाऊँ, इतना बड़ा, ठीक है। अच्छा, जो मैं कह रहा था ना, जब ये फुली फोल्ड हो जाता है ना, तो आप यहाँ से इसे खोलें और ये फ्लैट डाउन टेबल बन जाता है, मतलब बेसिकली वो कहते हैं ये यू कैन डू मल्टीपल स्टफ। जो फ्रंट सीट्स हैं, फ्रंट सीट्स की बोल्स्टरिंग इज लवली एज इट्स एट द रियर। B&O का साउंड सिस्टम इंटीग्रेटेड इन द फ्रंट हेडरेस्ट है, ठीक है जी। रैप्टर इज प्राउडली रिटन हेयर, ब्लू है, बहुत प्यारा इंटीरियर है, लेदर हेयर, ये स्वेड है, बहुत प्यारा स्वेड है यार, इतनी कंफर्टेबल सीट्स है ना, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि डाला इतना कंफर्टेबल होगा। अब आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं इस डाले को ना चला सकूँ किसी तरह। बस उसके बाद जी हम इसको खोलते हैं, और ये है स्प्रिंग लोडेड, तो ये जब खुल जाए तो अंदर जो पेटी है, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन दिस, इट्स मैसिव। अगेन USB टाइप ए, USB टाइप सी, इतना बड़ा है कि मैं क्या बताऊँ। और ये मैट भी दिया हुआ है सो दैट थिंग्स डोंट स्लिप आउट। आई लाइक रैप्टर, लेकिन मैं कभी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे इतना पसंद है कि आपके कॉइन को स्लॉट करने की जगह पॉइंट्स पता नहीं कौन इस्तेमाल करते हैं, बिजनेस कार्ड्स वगैरह यहाँ रखें आप। और बाय द वे लॉकेबल भी है रैप्टर, बड़ा प्राउडली लिखा हुआ है, लिखना भी चाहिए जी, इतनी ज़बरदस्त गाड़ी है। ओवर हियर यू हैव गॉट 2 ग्लव बॉक्सेस है, ऊपर वाला अगर आपने अनलॉक करना है तो आप ये बटन दबाएं खुल जाएगा, विच इज़ अ नाइस थिंग। नीचे वाला अगर आपने खोलना तो उसको आप ये पुल करें, और छोटा है काफ़ी, मैं समझता हूं बड़ा होना चाहिए, बस वैसे इतनी गाड़ी बड़ी है। और ये क्या उस्ताद जी, लॉकेबल ये भी, 12 वोल्ट पावर आउटलेट, ये है प्रॉपर हाउस होल्ड स्टाइल चार्जिंग के लिए ये लगा हुआ है। सबसे बेहतरीन आपके पास हर सीट के ऊपर माइक्रोफोन लगा हुआ है कि ऑडियो बेहतर हो जाए। वैनिटी मिरर्स में एलईडी लाइट साथ लगी हुई हैं, आपके ऐसे ऑक्स स्विच लगे हैं 1, 2, 3, 4 जैसे फाइटर जेट्स में नहीं होता। लेट्स गो फायर। तो बेसिकली ये है कि अगर आपने कोई एक्सेसरीज लगानी तो आप इनसे मैच कर सकें। ये कोई सन ग्लासेस होल्डर है, योर LED रीडिंग लाइट्स है, दीज आर योर कंट्रोल्स फॉर द सनरूफ, यहाँ से आपका सनशेड खुलेगा, ये सनरूफ के लिए, या आपकी रीडिंग लाइट्स ऑन ऑफ करने के लिए, लाइक दिस एंड दैट, व्हेन यू अनलॉक द कार तो आपकी लाइट्स ऑन होना हो, और पैसेंजर एयर बैग्स ऑफ, दिस एंड दैट, ये सारी चीज़ें यहाँ हैं। लाइक वाइज इट्स सेम एट द पैसेंजर टू, और आपके पास B&O का इसमें अपग्रेडेड साउंड सिस्टम है, तो आपके ऊपर भी स्पीकर्स लगे हुए हैं, विच इज़ अ वेरी 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 नाइस थिंग। अच्छा जी, जब हम खोलेंगे तो अगेन यार इसको खोलने का एक अपनी चासा है, लाइक आप इस तरह निकलते हैं बैड बॉय की तरह, ओए होए होए। मूविंग एट द पैसेंजर साइड, दैट्स हाउ यू लॉक इट, स्मार्ट एंट्री है वही जो आम हिसाब होता है। अच्छा, यहाँ भी द बेस्ट थिंग इज दिस सीट इज ऑल्सो 10 बे पावर एडजस्टेबल। अगर हम यहाँ अंदर मूव करें, सो ये आपके एंटीना लगा हुआ है एस्थेटिक्स के लिए, और इसका ये पर्पज़ है कि जब ये एंटीना किसी चीज़ से हिट होगा ना तो इसने आपने फ़ौरन रुक जाना है, क्योंकि इसका ये मतलब है कि इसकी हाइट से ऊपर, मतलब अगर ये टच हो गया तो गाड़ी की जो रूफ़ है वो ख़राब हो जाएगी, सो ये वेरी केयरफुल विद दैट। और ये इसकी सारी यू नो ये डीकैल्स लगे हुए हैं। तो हम अगर अंदर यहाँ मूव करें, ये सीट मेरी पोजीशन में, और मैं तो यहाँ लेटा हूँ, क्या ज़बरदस्त बात है। बाय द वे यहाँ भी आपके ऐसे एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरेज है, स्टोरेज यहाँ भी एक बड़ी ज़बरदस्त ह्यूज है। तो चले जी,
this is the proper and an in-depth review of this Ford Raptor. I hope you like the review. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे राप्टर इतना पसंद आएगा एंड आई रियली रियली लव इट फ्रॉम द डे वन आई हैव बीन अ बिग फैन ऑफ दिस राप्टर ठीक है मुझे बड़ा प्यारा लगता है और मेरे ख्याल से इट्स अ परफेक्ट गो टू व्हीकल लेकिन आज मैंने देख लिया कि राप्टर क्यों बैठता है अंदर से इट्स एक्सट्रीमली कम्फर्टेबल मैं इसके अंदर बैठा हूँ इतनी कम्फर्टेबल इतनी क्रीचर कम्फर्ट्स हैं मुझे मस्टांग से ज़्यादा तो क्रीचर कम्फर्ट्स इसके अंदर मिल गए मतलब एक स्टांस है अंदर एक सही लेवल एक यू नो पावर फील मिलती है आई एम एब्सोल्युटली सोल्ड ऑन दिस यार बस मैंने भाई ये लेना है रैप्टर मैंने लेना है जो मर्ज़ी हो जाए एक रैप्टर मैंने रखना है घर में इंतहाई रैप्टर से इम्प्रेस होके रैप्टर का फ़ैन बन के रैप्टर वाला लौंडा बनना है अब हमें सिविक वाले तो हैं लेकिन नेक्स्ट इट्स दिस रैप्टर तो चलो जी दैट्स अबाउट इट दिस इज़ माई कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू रिगार्डिंग दिस Ford Raptor 3.6 liter EcoBoost वाला variant V8 वाला नहीं है V8 वाला मिल जाए तो उसमें थोड़े बहुत changes इतने ज़्यादा नहीं है तो I hope you like the video can you like करें subscribe करें share करें Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh